नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लट लकार। लट लकार, लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। बच्चों मैंने आपको बताए थे तीन लकार, पांच बताए थे, जिनमें से आपके दो लकार चलते हैं, पहला लकार है लट लकार, जिसमें तीन वचन बताए थे मैंने, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम। तो बच्चों आपको मैंने पुरुष भी तीन बताए थे, पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बच्चों प्रथम पुरुष में मैंने बताया था आपको सह तवते साते ता तत्ते तानि, इसमें त्वम युवम युयम, इसमें अहम अवम वयम। इसमें आपकी जो धातु चलती है, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ आज अस धातु, कौन सी धातु पढ़ेंगे हम? अस धातु। अस धातु का मतलब हो गया अस्थि, स्तर, संति। अस्थि, स्तर, संति, असि, स्थर, अस्थि, स्तर, सॉरी, अस्थि, स्तर, संति, असि, स्थर, स्थर, अस्मि, अस्मि, स्वर, स्म। तो बच्चों ये आपको याद करनी है, अस्थि, स्तर, संति, असि, स्तर, स्तर, अस्मि, स्वर, स्म। अस्थि यानी है, स्तर यानी ये दोनों के लिए हम प्रयोग करेंगे, संति यानी बहुत सारों के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि स तौ ते, मैंने आपको बताया था बच्चों कि स के साथ आपको क्या प्रयोग करना है, अस्थि का प्रयोग करना है, वह है स अस्थि। मैंने कहा कि वे दोनों हैं तो स तौ स्तर, और मैंने कहा कि ते संति वे सब हैं, वे सब हैं। तो बच्चों सुनने होगा कि स अस्थि यानी वह है, तौ स्तर यानी वे दोनों हैं, ते संति यानी वे सब हैं। इस तरह से मैंने कहा कि त्वम मध्यम पुरुष के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, त्वम, त्वम असि, तुम हो, युवाम स्थर, युवाम स्थर मतलब तुम दोनों हो, और तुम सब हो तो युयम, युयम स्थर, युयम स्थर मतलब तुम सब हो, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। मैंने कहा कि अहम अस्मि, मैं हूँ, अहम अस्मि अर्थात मैं हूँ, अहम के साथ अस्मि का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से आवाम, आवाम के साथ प्रयोग करेंगे बच्चों, आवाम, आवाम के साथ प्रयोग करेंगे हम, अहम आवाम, आवाम के साथ प्रयोग करेंगे स्वर, आवाम स्वर, हम दोनों हैं, और वयम स्म हम सब हैं, वयम स्म हम सब हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो स्त्रीलिंग दे रखा हो तो आप क्या प्रयोग करोगे, स्त्रीलिंग में आप प्रयोग करोगे सा, सा, जैसे मैंने कहा कि वह है, तो ये तो पुल्लिंग के लिए था, किसके लिए था, पुल्लिंग के लिए। अगर मान लो आपको दे दिया जाए स्त्रीलिंग के लिए, इसके लिए स्त्रीलिंग के लिए, तो स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करेंगे सा का, जैसे सा अस्थि, सा अस्थि, ते स्तर, ते स्तर, और ता संति, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, तब इसके लिए प्रयोग करेंगे, ये स्त्रीलिंग के प्रयोग, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, स्त्री लिंग, स्त्रीलिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे शास्ती, तेस्तर, ता, संति। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हुआ है, अधातु अस्ति, स्तर, संति, असि, स्तर, स्तर, अस्मि, स्वर, स्म। अब हम सीखेंगे और धातुएं बनाना।
जैसे पट धातु हो गई, चल धातु हो गई, लिप धातु हो गई, इनको भी हम बनाना सीखेंगे। नोट डाउन कर लेंगे इसको। बच्चों अब हम पढ़ेंगे लट लकार, पट धातु। और लट लकार में मैंने आपको यहाँ बनाना सिखाया है पट धातु। देखो कैसे बनेगी, पट धातु में अति जोड़ना है तो पट में अति जोड़ देंगे तो बनेगा पठति। एक वचन में क्या बनेगा, पठति। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, पठति। इस तरह से द्विवचन क्या बनेगा, धातु में अत जोड़ेंगे अतः, तो पठत पठ प्लस अत, यह हलंत वाला है। इष्ठ में अ मिल जाएगा तो ठ पूरा हो जाएगा, तो पठत पठत। तो ये द्विवचन में क्या बनेगा, पठत। इस तरह से बहुवचन में क्या बनेगा, पठंती। पठ प्लस अंति पठंती, तो क्या बन जाएगा, पठती पठत पठंती। इस तरह से पठ धातु में असी जोड़ेंगे तो पठसी। मध्यम पुरुष में क्या जोड़ेगा, पठसी। इस तरह से द्विवचन में पठ प्लस अथ पठथ, क्या बन जाएगा, पठथ। इसी विसर्ग कहते हैं, जो चित क्या रहती है वो क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, पठथ है। तो पठसी पठथ पठत, ठीक है, ये पठत। पठ में अथ जुड़ेगा तो पठत। इस तरह से पठ प्लस आमी पठामी, पठ प्लस आव पठाव, पठ प्लस आम पठाम। इस तरह से बच्चों ये एक धातु बन गई हमारे पास तीनों लोकाल में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मैंने बताया था आपको स त उते, तो स के साथ जुड़ेगा पठती, त के साथ जुड़ेगा पठत, और ते के साथ जुड़ेगा पठंती। इस तरह से त्वम के साथ जुड़ेगा पठसी, और युवाम के साथ क्या जुड़ेगा, पठत, और युयम के साथ पठत। इस तरह से अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठाव, और वयम के साथ पठाम। तो बच्चों इस तरह से हम दूसरी धातु बनाएंगे, हसती हसता हसंती। हसमीन होता है हसना, पठमीन पढ़ना, तो हसती हसता हसंती, हससी हसत हसत, हसामी हसाव हसाम। तो बच्चों हमने ये सीखा, अब देखेंगे हम और दूसरी धातु जो लिप धातु है वो देखेंगे ध्यानपूर्वक। लट लकार लिप धातु और लिप धातु का मतलब होता है लिखना, और हम पढ़ेंगे इनको तीनों वचन में बताए थे, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। तो एक वचन में ये चलेगा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में चलेगा लिखती लिखत, द्विवचन में चलेगा लिखत और लिखंती, बहुवचन में चलेगा लिखंती। इस तरह से मध्यम पुरुष में चलेगा लिखसी लिखत लिखंती। लिखत लिखसी लिखत लिखत। इस तरह से उत्तम पुरुष में चलेगा लिखामी लिखावर लिखामन। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर देखेंगे लिखती लिखत लिखती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखावर लिखाम। तो बच्चों इस तरह से हम और धातु बना सकते हैं, बदती बदत बदंती, बदसी बदत बदत, बदामी बदाओ बदाओ। इस तरह से और दूसरी धातु बनाएंगे हम, जैसे मान लो खादती खादत खादंती, खादसी खादत खादत, खादामी खादाव खादाम। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने कहा कि वह लिखता है, वह लिखता है, और एक सेंटेंस दिया हमें वह लिखती है, वह लिखती है, वह लिखती है, और एक सेंटेंस देना ये था पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में तो बनेगा जैसे स एक लिखता है, पुल्लिंग के लिए कहा जा रहा है, तो स लिखती स लिखती। अगर मैंने कहा कि वह लिखती है तो स्त्रीलिंग के लिए कहा गया, यानी स्त्री कह रही है, तो सा लिखती सा लिखती। इस तरह से मैंने कहा कि वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों
लिखते हैं, ये दोनों लिखते हैं, लिखते हैं, तो इसका क्या बनेगा? यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों लिखते हैं, ये दोनों लिखते हैं, तो बच्चों इसका क्या बनेगा? ये दोनों की संस्कृत होगी तव, और लिखत है, तव लिखत है। अगर मैंने कहा कि वे दोनों लिखती है, लिखती है, तो ये हो जाएगा ते लिखत है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो स्त्रीलिंग के लिए वे दोनों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? स्त्री का, पुल्लिंग के लिए तव का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम आगे देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि वे सब लिखते हैं, मैंने कहा कि ये सब लिखते हैं, ये सब लिखते हैं, तो वे की हो जाएगी ते लिखंती, ते लिखंती, तो वे सब लिखते हैं तो ते लिखंती, ठीक है ना, इस तरह से ते लिखंती। अगर मैंने कहा कि वे सब लिखती है, स्त्रीलिंग के लिए है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा? ये सब लिखती है तो ता लिखंती, तो हो जाएगा ता लिखंती। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से हम मध्यम पुरुष के लिए मैंने आपको बताया था त्वम, युवाम, युयम, तो त्वम के लिए हम लिखेंगे लिखसी, युवाम के लिए लिखत है, और युयम के लिए क्या लिखेंगे? युयम लिखत है। इस तरह से अहम लिखामी, आवाम लिखा हुआ है।